ये बात अलग है कि राजीव गांधी ने बोला था कि 50% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं औंधे पड़े रह जाता है, वो उसका प्रैक्टिकली उसका अमलीकरण नहीं होता। मैं मानती हूँ 2019 में मैं इसका सीधा जवाब ये है कि अगर आप बिल्कुल 2004 से तुलना करें, हमने हमेशा लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा महिलाओं को टिकट दी, परंतु आज की डेट में लोकसभा में सिर्फ करीब करीब 11% महिलाएं हैं, सब मिला के बीजेपी कांग्रेस मिला के। ये एक सामाजिक समस्या है, ये एक राजनीतिक समस्या है, और हम पुरुष को अपना शत्रु नहीं मानते, पर जो पैट्रियार्की है, जो पुरुष का दमन रहता है समाज से लेकर राजनीति तक, उसकी वजह से महिला राजनीति में आगे नहीं आ सकती। और इसका सिर्फ जिस तरह शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन किया गया, क्योंकि वो एक सामाजिक समस्या थी, उसको इसको समाधान करने के लिए एक ही तरीका है, वो है महिला आरक्षण बिल, जिसको नरेंद्र मोदी ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है पिछले 4 साल। अगर वो बिल वो ले आते तो राहुल गांधी जी, अमित शाह जी या RJD या कोई भी दल, ये उनके लिए बिल्कुल मैंडेटरी हो जाता और इस समस्या का समाधान हो जाता। इसलिए मुझे दुख है कि इतनी बहुमत के बाद आज 30-40 साल के बाद सदन में बहुमत है, और सोनिया गांधी जी ने खुद लिखित में नरेंद्र मोदी जी को कहा है कि अगर महिला आरक्षण बिल वो लाएंगे, कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में समर्थन करेगी, फिर भी वो ये बिल नहीं लेके आए। इसका क्या कारण है मुझे नहीं मालूम, पर मुझे लगता है इसके पीछे RSS की सोच है।